मेहनतगढ़ नाम का एक गांव था जिसमें दो दोस्त राम और श्याम रहा करते थे। राम मेहनत पर यकीन रखता और श्याम ईश्वर पर आस्था रखता। एक दिन दोनों दोस्तों ने निर्णय किया कि वो अपने खेतों में मिल बांटकर काम करेंगे और जो मुनाफा होगा उसे मिल बांटकर बांटेंगे। फिर दोनों अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद राम हर दिन खेतों में जाता है और मेहनत करता है और शाम खेतों से ज़्यादा समय भगवान के पूजा पाठ में लगाता है। फिर वो समय भी आ गया जब खेतों में हरियाली छा गई। दोनों दोस्त अनाज को बाजार में जाकर बेच देते हैं। जब दोनों वापस अपने गांव आते हैं तो राम कहता है, अरे श्याम, खेतों में ज़्यादा मैंने की थी तो मुनाफा भी मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। अरे राम, खेतों में ज्यादा मेहनत नहीं की पर ईश्वर से प्रार्थना तो सबसे ज्यादा मैंने ही की थी ना, तो ज्यादा मुनाफा मुझे मिलना चाहिए। जब कोई निर्णय नहीं निकला तो दोनों गांव के सरपंच के पास चले जाते हैं और पूरी बात समझाते हैं। उस पर सरपंच दोनों को चावल की एक एक बोरे देते हैं और कहते हैं कि पहले इन बोरी को अपने घर ले जाओ और दूसरे दिन साफ करके लाओ, तब जाके मैं अपना फैसला दूंगा। बोरी लेकर घर को चले आते हैं। वहीं से आओ रात भर भगवान से प्रार्थना करता है कि चावल से कंकड़ अलग हो जाए और उधर राम रात भर मेहनत करता है और चावल से कंकड़ को अलग करता है। दूसरे दिन दोनों अपनी अपनी बोरी लेकर सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच दोनों की बोरियों को चेक करते हैं। राम की बोरी साफ होती है जबकि श्याम की बोरी साफ नहीं होती है। उसी पर सरपंच कहते हैं, श्याम, भगवान पर आस्था रखना अच्छी बात है लेकिन भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसलिए राम ने मेहनत करी तो उसकी बोरी साफ है और तुमने मेहनत नहीं करी इसलिए तुम्हारी बोरी साफ नहीं है। ये राम को मुनाफे के ज़्यादा पैसे मिलेंगे और तुमको ये सीख मिलती है कि मेहनत करो तब जाकर भगवान आपका साथ देंगे, वरना भगवान भी आपका साथ नहीं देंगे। इसके बाद दोनों अपने अपने घर को चले जाते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।